एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमन। दिस इज अमनदीप। और आज का जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपनी प्रेपरेशन को अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो वो 10th क्लास में है, या 11th में है, 12th में है, या फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। जो एस्पिरेंट्स जिनको ज्यादा अभी प्रेपरेशन के बारे में पता नहीं कि इसमें करना क्या है, जो कि यूपीएससी आईएएस की प्रेपरेशन शुरू करना चाहते हैं बट उनको ज्यादा पता नहीं कि इसमें होता क्या क्या है, सो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कितने स्टेजेस होते हैं, क्या क्या आपके पेपर्स होते हैं, क्या सिलेबस होता है और क्या पढ़ना होता है। सो अगर आपको कंप्लीट गाइड चाहिए तो आप पूरी वीडियो देखना, तब आपको ये पूरा समझ में आएगा कि आपने क्या क्या पढ़ना है। सो सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले आप जो प्रिपरेशन जब शुरू करना चाहते हैं तो ये समझिए कि आपने प्रिपरेशन शुरू करनी क्यों है, और ये बात है कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कब करनी है। सबके अलग अलग डाउट्स हैं कि प्रिपरेशन जो है हमें कब स्टार्ट करनी चाहिए, हमें पहले 10th क्लास में है तब स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर एक दो साल वेट करना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में करनी चाहिए। तो आप एक बात समझिए, जैसे कि एक पॉपुलर सेइंग है द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। सो जो जल्दी अपना काम जितना जल्दी शुरू करते हैं, लेजीनेस नहीं दिखाते हैं, उतना ही वो अपने गोल के पास ज्यादा जाते हैं। सो आप अभी ही, आज से ही स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप 10th में हो, प्लस 1 में हो, 12th में हो, या फिर आप ग्रेजुएशन में हो, आप कहीं पे भी हो, आपको आज ही स्टार्ट कर देना है। सो उसके बाद जो है, अगर अगली बात जो है वो ये है कि आप सब पूछते हैं कि टाइम कितना लगेगा। टाइम देखिए, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, किसी का सेकंड में हो जाता है, किसी का थर्ड में, फोर्थ में, और इसमें लग जाते हैं, किसी को 5-6-7 साल भी लग जाते हैं। तो ये कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज नहीं है कि 1 साल में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, ये करता है वेरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आप कितने सीरियस हो, आप कितना टाइम इस चीज को दे रहे हो। और बाकी जो है कुछ और बातें मैटर करती हैं कि कई बार कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं, कुछ और इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से टाइम जो है वो ज्यादा नहीं दे पाते। लेकिन आपको यहाँ पे मान के चलना है कि आपको 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, उससे कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हो सकता है किसी दिन आप ना पढ़ पाओ, लेकिन आपको 8 से 10 घंटे आप मान के चलिए कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कभी भी मत सोचिए कि आप कोई शॉर्टकट लोगे और यहाँ से कर लोगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। अगर आप मान लो एक अच्छे स्टूडेंट हो, अपने स्कूल में आप अच्छा, आपके नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे आप लाइट ले लोगे कि मैं तो स्कूल में फर्स्ट सेकेंड आता हूँ या आती हूँ तो मेरा यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रिपरेशन है ना, इसका जो सिलेबस है ये थोड़ा अलग है। स्कूल्स में, कॉलेज में जो हम पढ़ते हैं वो थोड़ा हमारा स्टैटिक ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। टॉपिक्स जितने भी, उनको एनालाइज करना पड़ता है फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। जैसे कि अगर आप जो है एक टॉपिक उठा के कोई भी बैठते हो, तो आपको उसका जो है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, उसका आपको सोशल पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, कल्चरल पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। तो इस तरह से हर एक टॉपिक को जब आप पढ़ोगे तो उसको आपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना है। ऐसे नहीं है कि आपके सामने एक बुक है, आपने उसे पढ़ लिया, पेपर में क्वेश्चन आएंगे, आप वैसे लिख के आ गए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको अपना अच्छे से दिमाग जो है वो लगाना पड़ेगा, तब जाके आप जो है इसमें इसको, अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। सो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको जितना पढ़ना है टाइम देना है, 8 से 10 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। जितना आपने पढ़ना है, जितना इसका सिलेबस है, आपको सब कुछ कवर करना ही पड़ेगा। सो जितना आप जल्दी स्टार्ट कर देते हो उतना आपके लिए अच्छा है, और ये मान के चलिए कि आपको इसमें अपना टाइम और बहुत कुछ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप साथ साथ में फिर कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, आपको इसमें एक कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी। आप रोज चाहे थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। ऐसे नहीं है कि एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ा फिर 3-4 दिन आपने नहीं पढ़ा, ये नहीं चलेगा। आपको रोज पढ़ना है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो। सो उसके बाद अगर हम एग्जाम की बात करें, क्वालिफिकेशंस की बात करें कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, तो इसमें कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो और चाहे आपके ग्रेजुएशन में कितने भी मार्क्स क्यों ना हो। जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में होता है कि जनरल के लिए 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर प्लस टू में आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे कोई भी ऐसी स्पेसिफिक जो है
रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और उसके बाद है गर्ल्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस इसकी नहीं होती है। जितने भी गर्ल्स हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हो उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, बॉयज के लिए यहाँ पे फीस है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 से एज लिमिट शुरू होती है। उसके बाद अगर आपने 21 कंप्लीट कर ली है उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और एज लिमिट अगर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो जनरल के लिए 32 इयर्स है। 21 टू 32 इयर्स के बीच में आप जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको 6 मिलेंगे, जनरल के लिए 6 है। और आप जो है 21 से 32 के बीच में कभी भी अपने वो 6 अटेम्प्ट जो है वो दे सकते हो। उसके बाद अगर दूसरी कैटेगरीज की बात करें जैसे एससी ओबीसी तो इनको थोड़ी जो है इनको ज्यादा एज इनकी जो है लिमिट मैक्सिमम एज इनकी ज्यादा होती है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी इनको ज्यादा मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको ज्यादा मिलेंगे आप उतना ही सोचोगे कि आपने उतना ही ज्यादा टाइम लगाना है। जितना आपने कोशिश करनी है ये कोशिश करनी है कि आपका जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि इस जर्नी में फिर बाद में जाके बहुत दिक्कत शुरू हो जाती है। शुरू में तो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है लेकिन टाइम के साथ एनर्जी कम हो जाती है। सो जब तक आपके एनर्जी लेवल कम ना हो तब उसके बीच के पीरियड में ही आपने इसको कर लेना है। उसके बाद आता है मीडियम ऑफ एग्जाम। तो किस मीडियम में हम एग्जाम दे सकते हैं, आप किसी भी मीडियम में दे सकते हो एग्जाम, अपना लिख सकते हो। ज्यादातर जो है स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि इंग्लिश में लिखा जाए। इसमें अगर तीन स्टेजेस की बात करें, प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो हिंदी में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं। सो उसमें जो है आपका मीडियम मैटर नहीं करता, चाहे आप हिंदी में दो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पेपर में आपके हिंदी में भी होते हैं क्वेश्चन और इंग्लिश में भी होते हैं। सो अगर आप जो है रीजनल लैंग्वेज हिंदी चूज करते हो या कोई लैंग्वेज जो है आप चूज करना चाहते हो उसमें प्रीलिम्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन जो है आपका हिंदी में भी दिया होगा, क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी दिया होगा। अगर आप हिंदी में पढ़ के आंसर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, इंग्लिश में करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। लेकिन बारी आती है फिर मेंस एग्जाम जो कि आपने लिखना होगा, क्वेश्चंस के आपने आंसर जो है वो लिखने होंगे, जो थियोरेटिकल पेपर होगा। तो उस पेपर में आप अपने मीडियम कोई भी चूज कर सकते हो, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो एग्जाम को। उसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू भी आप अपनी मर्जी से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। अगर आपने कुछ एस्पिरेंट्स का ये डाउट होता है कि अगर वो मेंस इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या वो इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, तो यस वो दे सकते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन ज्यादातर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश चूज करते हैं लेकिन आपकी अपनी जो है मर्जी है, हिंदी मीडियम से बहुत सारे बच्चे क्रैक करते हैं तो मीडियम आपका मैटर नहीं करता है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर वो इंग्लिश में ही देंगे तो शायद उनको ज्यादा वहां पे मार्क्स मिलेंगे, अगर वो हिंदी में दे रहे तो कम मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपने लैंग्वेज चूज करनी है जिसके बेसिस में जिसके अकॉर्डिंग आपने अपना पेपर जिस लैंग्वेज में देना है। सो मीडियम ऑफ एग्जाम आप कोई भी चूज करो, हिंदी में लिखो आप इंग्लिश में लिखो, कुछ नहीं मैटर करता। इसकी वजह से आपके मार्क्स जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा उनके ऊपर कि अगर आप हिंदी में दे रहे हो तो आपके कम मार्क्स आएंगे, इंग्लिश में दे रहे हो तो ज्यादा आएंगे। बस ये हो जाता है थोड़ा कि मटेरियल अवेलेबिलिटी जो है वो इंग्लिश में ज्यादा होती है, जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर है और भी जितने वेबसाइट्स वगैरह ज्यादा प्रोवाइड कराते हैं वो इंग्लिश में प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा मटेरियल जो है आसानी से मिल जाता है। उसके अलावा और कोई पेपर में भेदभाव जो है ना वो वाली बात यहाँ पे नहीं होती है, आप किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा इस एग्जाम की तीन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले स्टेज है आपके प्रीलिम्स, उसके बाद जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, उनको मेंस देना होता है। और जो मेंस भी क्लियर करते हैं वो ही सिर्फ इंटरव्यू में बैठेंगे और जो इंटरव्यू के जो क्लियर करते हैं पूरा उसका जो है फिर फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। और अगर आप मान लो आपने प्रीलिम्स एक साल क्लियर कर लिया, आपका मेंस नहीं हुआ तो आप इंटरव्यू तो दे नहीं पाओगे। तो नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं है कि आप मेंस दोगे, कुछ एस्पिरेंट्स को इसका भी डाउट रहता है। और अगर मान लो आपने प्रीलिम्स भी क्लियर किया, आपने मेंस भी किया बट आपका इंटरव्यू नहीं हुआ तो भी आपको नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स से ही शुरू करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स ही देना पड़ेगा, फिर आप मेंस दोगे फिर इंटरव्यू दोगे। ऐसे नहीं है कि एक साल प्रीलिम्स कर लिया तो नेक्स्ट ईयर आप मेंस दोगे, नहीं, ये पूरी प्रोसेस ही ऐसी है कि अगर आप प्रीलिम्स आप किसी भी स्टेज में यहाँ पे अटक गए तो नेक्स्ट ईयर आपको फर्स्ट स्टेज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें दो पेपर आपके होते हैं और एक ही दिन में आपके दो पेपर होते हैं, जैसे कि 9:30 से 11:30 बजे तक एक पेपर होता है,
उसके बाद आपका 2:30 बजे से 4:30 बजे तक दूसरा पेपर होता है। तो आपका जो GS 1 पेपर है इसमें सारे हमारे सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे कि हमारी हिस्ट्री हो गया, उसके बाद हमारा पॉलिटी हो गया, उसके बाद हमारी इकोनॉमी हो गई, उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी हो गई हमारी, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए साइंस सब्जेक्ट नहीं आता, साइंस के जो बेसिक्स हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाते, अप्लाइड पार्ट पूछा जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये करंट अफेयर से आते हैं, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपने बुक पढ़नी है, इसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वो करंट अफेयर से आते हैं। उसके बाद एक आते हैं क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशन से, और ये क्वेश्चन जो है ये भी करंट अफेयर से ही आते हैं। सो हिस्ट्री जो है आपने बुक से पढ़नी है, और उसके बाद पॉलिटी भी आपकी बुक से भी आते हैं, पॉलिटी हिस्ट्री का तो डेफिनेटली हमें पता ही है कि करंट से रिलेटेड कुछ हो ही नहीं सकता, पॉलिटी आपके करंट से भी आते हैं, और आपके जो करंट जो है आपका स्टैटिक से भी आता है, करंट से भी आता है, इकोनॉमी भी सेम आपका स्टैटिक से भी आता है, करंट अफेयर से भी आता है, इन्वायरमेंट में भी ऐसा ही है, इन्वायरमेंट में आपका स्टैटिक से भी आता है, कुछ टर्म्स होते हैं इन्वायरमेंट के वो पूछ लेते हैं जो स्टैटिक है, और करंट अफेयर से भी आता है। ज्योग्राफी भी आपका ऐसा ही है, ज्योग्राफी में जैसे कि स्टैटिक से क्वेश्चन आएंगे, और कई बार कोई मान लो जैसे कोई फिनोमिना जो है न्यूज में काफी ज्यादा चल रही है, कोई मॉनसून पैटर्न को लेके कुछ चल रहा है, तो वो करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाता है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। प्लेसेस इन न्यूज आते हैं कि कुछ प्लेसेस हैं, जैसे कि मान लो कोई कंट्री है जो न्यूज में चल रही है, कोई आइलैंड है वो न्यूज में चल रहा है, तो हो सकता है उसकी लोकेशन पूछ ले, तो इस तरह से प्लेसेस इन न्यूज इससे भी क्वेश्चन आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, जितना भी आपके करंट अफेयर चल रहे होते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन से भी आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। सो अगर हम बात करें पढ़ने की कि आपको कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन सी बुक लिस्ट आपने फॉलो करनी है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से मटेरियल को आपने रेफर करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इसमें होता क्या क्या है। उसके बाद जो है अगर आप उसके बाद जो है ये कवर हो गया आपका पूरा GS 1 पेपर, इसमें से आएगा आपका पूरा, ये सारे टॉपिक्स हैं जिनमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे, और इसका पैटर्न जो है वो वेरी करता है, हर साल अलग अलग टाइप का पैटर्न होता है, कई बार क्वेश्चंस किसी ढंग से पूछ लिए जाते हैं, कई बार किसी ढंग से पूछ लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर साल का इसका पैटर्न सेम चलता है, पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता रहता है, लेकिन सब्जेक्ट्स जो है वो आपके यही है, और आपने जो करंट अफेयर कवर करने हैं वो अपने एग्जाम से पहले के 1 ईयर के कंप्लीट करने हैं। जैसे कि इस बार जो है वैसे डेट तो 31 मई आई है एग्जाम की, लेकिन हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन अगर 31 मई को होता है तो आपको मई 2019 से अप्रैल 2020 तक के करंट अफेयर्स कवर करने होंगे पूरे 1 ईयर के। आप पेपर के पहले का जो 20-25 दिन होते हैं या फिर मैक्सिमम 1 मंथ का जो होता है वो हो सकता है आप ना पढ़ो, क्योंकि उसमें से जो है ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम के पहले का जो 1 मंथ है, 1 मंथ 25 दिन कह सकते हैं मैक्सिमम, जिसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं उससे पहले का 1 ईयर का आपने कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि पेपर से 5 दिन पहले कुछ न्यूज में चल रहा था वो भी आएगा, ये प्रीलिम्स के लिए है, मेंस में ऐसा होता है कि 5-6 दिन पहले अगर कुछ चल रहा है तो पेपर में आ सकता है, लेकिन प्रीलिम्स में ऐसा नहीं होता, 20-25 दिन एग्जाम से पहले के जो न्यूज होते हैं वो प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। उसके बाद ये पेपर होगा आपका 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का ये आपका पेपर है जो कि मॉर्निंग में हो जाएगा। उसके बाद इवनिंग में आपका GS पेपर 2 होगा जो कि होगा हमारा 200 नंबर का, लेकिन वो हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको क्या क्या कवर करना है। एक तो इसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, दूसरा आपको आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, थर्ड आते हैं इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैथ्स बहुत बेसिक पूछा जाता है, बैंकिंग एग्जाम्स में जैसे बहुत टफ मैथ्स होता है, यहाँ पे मैथ्स बिल्कुल भी टफ नहीं होता, आपका 8th, 9th, 10th तक का जो सिंपल मैथ्स है वो क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल से सिंपल ही पूछेंगे, बहुत डिफिकल्ट यहाँ मैथ्स नहीं पूछते हैं। रीजनिंग भी आपकी ठीक ठाक होगी, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगी। इंग्लिश में आपके कॉम्प्रीहेंशन पूछेंगे, कॉम्प्रीहेंशन पूछेंगे ऐसे जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स या फिर इंग्लिश के कुछ और पार्ट्स है ना वो नहीं यहाँ पे नहीं पूछते हैं जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश पार्ट में से। तो ये भी आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा, लेकिन इसमें ये बात है कि इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, कहने का मतलब है 200 में से जो 1/3 है उतने नंबर आपने 66.6 अगर आपके इसमें से आ गए तो आपने इसे क्वालिफाई कर लिया, और अगर आपने ये क्वालिफाई किया तो ही आपका पेपर 1 चेक होगा,
तो आपका पेपर वन चेक होगा। अगर आपने जीएस पेपर टू क्वालिफाई नहीं किया, आपके 66.6 से कम नंबर आए हैं, तो आपका जीएस पेपर वन चेक नहीं होगा। और अगर आपके आए हैं 66.6 से ज्यादा, आपने 1/3 से ले लिए हैं, तो आपका जीएस पेपर वन चेक होगा। और आपके जो मार्क्स लगेंगे ना, जिनके बेसिस पे आपका जो है शीट में जो है आपका आपका सिलेक्शन जो है प्रीलिम्स के लिए होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा जीएस पेपर वन के ऊपर। आपके नंबर इसी के लगेंगे, लेकिन जो है दोबारा थोड़ा सा समझा देती हूँ, जीएस पेपर टू अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आपका जीएस वन पेपर चेक होगा। और जब आपका ये चेक होगा तो मार्क्स सबको जीएस पेपर वन से ही मिलेंगे। यहाँ पे जीएस पेपर वन में जिसके जितने नंबर आते हैं, जितने भी उनको कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना होता है, वो जितने भी आगे वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। कट ऑफ जो है आपकी हर साल वेरी करती है, कई बार कितनी होती है कई बार कितनी होती है, ये डिपेंड करता है। और ये डिपेंड करता है काफी ज्यादा फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि डिफिकल्टी लेवल के ऊपर। पेपर अगर किस साल ज्यादा डिफिकल्ट आ गया तो कट ऑफ थोड़ी लो जाएगी, अगर पेपर थोड़ा ईजी आ गया तो कट ऑफ जो है आपकी ज्यादा जाएगी। So, इस तरह से कट ऑफ जो है आपकी वेरी करती रहती है। सो इस यहाँ पे कट ऑफ आपकी वेरी होगी, और जिसके ज्यादा नंबर कट ऑफ से ऊपर नंबर हो जाएंगे, वो सब जो है वो उनका जो है लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर वो क्वालिफाई हो जाएंगे मेंस के लिए। और उसके बाद आती है हमारे मेंस की बारी। तो प्रीलिम्स में जिनके जितने भी नंबर आते हैं, ये पूरा का पूरा पेपर ही क्वालिफाइंग है अगर आपने मेंस में बैठना है। तो अगर आपके प्रीलिम्स में जीएस पेपर वन में कट ऑफ से ज्यादा नंबर आ जाते हैं, लिस्ट में आपका नाम आपका रोल नंबर आ जाता है, तो आप मेंस में बैठोगे, लेकिन प्रीलिम्स के मार्क्स आपके आगे चल के काउंट नहीं होंगे। आगे चल के जो फाइनल लिस्ट आएगी, जब आपका सिलेक्शन होगा, रैंक आएगा, वहां पे जो मार्क्स काउंट होते हैं वो मेंस प्लस इंटरव्यू के होते हैं, आपके प्रीलिम्स के नहीं होते हैं। प्रीलिम्स सिर्फ मेंस में बैठने का एक जरिया है। ये कह सकते हैं कि कहीं किसी बड़ी मंजिल पे पहुंचने के लिए जो एक दरवाजा होता है ना, वो प्रीलिम्स है। तो बड़ी मंजिल आपकी मेंस जैसे है, उसमें आपने एंटर करने के लिए प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है। सो उसके बाद आती है मेंस की बारी। अगर आपने जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, लिस्ट में आपका रोल नंबर आ गया, तो उसके बाद क्या होगा, आपने मेंस देना है। मेंस में आपके जीएस पेपर वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, 250 मार्क्स ईच, सबके 250, 250, 250 मार्क्स है। तो आपके जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 होंगे पूरे 1000 मार्क्स के। तो यहाँ पे जीएस 1 में आपके जो सब्जेक्ट्स कवर होंगे वो कौन से होंगे, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, सोसाइटी होगा, आर्ट एंड कल्चर होगा, तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और ये एक बात, और प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जीएस पेपर जो मेंस पेपर है ये थ्योरेटिकल पेपर है, आपने सब्जेक्टिव पेपर है। प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, मेंस आपका सब्जेक्टिव है, यहाँ पे आपने आंसर्स लिखने हैं। सो जीएस वन का मैंने बता दिया। जीएस टू में जो आपका जो सिलेबस है वो पॉलिटी है एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। जीएस थ्री की अगर बात करें तो इसमें इकोनॉमी आती है आपकी, और उसके बाद जो है सिक्योरिटी के टॉपिक्स आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आते हैं, और इन्वायरमेंट के आते हैं। जीएस पेपर फोर की अगर बात करें तो ये इसमें क्वेश्चन आते हैं, एथिक्स पेपर है ये, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। तो उसके बाद जो है एथिक्स एंड इंटेग्रिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका प्रीलिम्स में जिसका आपके प्रीलिम्स से ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन आपके जीएस वन टू थ्री पेपर जो है ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे। उसके बाद आता है एक आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें चूज करना होता है। इसमें बहुत बड़ी लिस्ट होती है, आई थिंक 30 सब्जेक्ट्स होंगे ही, ऐसे ही आपके पास बड़ी लिस्ट होते हैं, उसमें से आप एक ऑप्शनल आपकी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। और ऑप्शनल जो भी आप चूज करोगे उसके दो पेपर होंगे, एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है हिस्ट्री चूज कर लिया, तो हिस्ट्री के आपके दो पेपर होंगे, दोनों ही आपके 250 मार्क्स के होंगे। कहने का मतलब पूरा ऑप्शनल आपका 500 मार्क्स का होगा। उसके बाद एक पेपर होता है आपका एसे का, एसे भी आपका 250 मार्क्स का होगा, और इसमें दो एसे आपको आएंगे। जैसे कि एसे पेपर है उसमें दो सेक्शन होंगे, ए सेक्शन में आपके 4-5 एसेज होंगे और बी सेक्शन में आपके 4-5 एसेज होंगे। आपने क्या करना है कि ए पेपर जो सेक्शन ए है उसमें से एक एसे को चूज करना है, सेक्शन बी में भी एक एसे को चूज आपने करना है। तो इस तरह से आपका एसे पेपर पूरा 250 मार्क्स का हो गया। उसके बाद आते हैं दो पेपर आपके और होंगे, एक होगा इंग्लिश लैंग्वेज पेपर और एक आपका रीजनल लैंग्वेज पेपर। दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के हैं, मार्क्स इसके ऐड नहीं होते, इनका भी सेम वैसे ही है।
अगर आप दोनों को क्वालिफाई करते हो तो ही आपके दूसरे पेपर्स चेक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कितने मार्क्स लेने होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 25% लेने होते हैं, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है वो सिर्फ जितना आपने 10th क्लास तक पढ़ा है, 10th क्लास तक सबने इंग्लिश पढ़ी होती है, सिर्फ उतना ही सिलेबस होता है। इसमें बहुत कुछ बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं होता। और इसमें जो है क्वालिफाई करना है आपने, जैसे स्कूल्स में 33% होता है, यहाँ पे तो सिर्फ 25% है। आप 25% इसमें ले लेते हो तो आप क्वालिफाई कर लोगे। और आपका रीजनल लैंग्वेज का एक पेपर होता है, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी है, पंजाबी है, कोई भी है, आप उस लैंग्वेज में इस पेपर को दे सकते हो। और इसमें जो आपने क्वालिफाई करना होता है वो 33% होता है। इंग्लिश में आपको 25% लेने हैं, रीजनल लैंग्वेज में आपने 33% लेने हैं। और दोनों का ही, इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज दोनों का ही जो होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, इनको जो है इनके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। अगर आप दोनों को क्वालिफाई करते हो तो ही आपके दूसरे मार्क्स, दूसरे पेपर आपके चेक होंगे। और रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेबस आपका 10th क्लास तक का ही होता है, जितना आपने 10th क्लास में पढ़ा, उससे ज्यादा ये लोग नहीं पूछते हैं पेपर। ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं लेकिन ज्यादा टफ नहीं है। सो उसके बाद अगर हम बात करें इंटरव्यू की, अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में सिंपली आपका इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। मेंस आपके पूरे 1750 मार्क्स के होते हैं, प्लस 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। यहाँ पे मुझे जो ज्यादा क्वेरीज आती है वो ये होती है, सब पूछते हैं कि इंटरव्यू डिफिकल्ट होता है क्या। ज्यादा जो है किसी को प्रीलिम्स एंड मेंस, सबको लगता है कि पेपर लिखना आसान है लेकिन सामने बैठ के किसी को फेस करना, आंसर करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू आपकी लास्ट स्टेज होती है, जब तक आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा पॉलिश हो जाती है, आप इतना कुछ सीख जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस इतने लेवल तक बिल्ड हो जाता है कि आपको किसी भी सामने बैठ के आप आंसर कर सकते हो। जो भी आपने थ्रू आउट प्रिपरेशन पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आपके मेंस में, आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू आपका कम मार्क्स का ही होता है, 275 का है। सो 1750 प्लस 275 मिला के ये जो पूरा है, ये आपका मार्क्स जो है वो डिसाइड करेगा, आपका फाइनल लिस्ट में नाम आता है या नहीं आता है, ये पूरे मार्क्स आपके डिसाइड करेंगे। प्रीलिम्स का इसमें कोई रोल नहीं है। सो यहाँ पे आपने, अगर आपके मीन्स जो है काफी अच्छे हो गए, आपको ज्यादा नंबर मिल गए इंटरव्यू में, अगर आपको थोड़ी कम नंबर भी मिल गए तब भी चल जाएगा। और हो सकता है क्योंकि थोड़े मान लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपर्स होते हैं जिनके जो है मेंस में अच्छे नंबर आ जाते हैं, कई बार इंटरव्यू में नहीं अच्छे आ पाते, लेकिन यहाँ पे फिर वो गैप जो होता है वो फिल हो जाता है। लेकिन आपको पूरा दोनों पे ही ध्यान देके चलना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि किसके लिए ये एग्जाम ज्यादा सही रहता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड पे कितना ये एग्जाम डिपेंड करता है। अगर आपका जैसे कुछ ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट से आपने आपने प्लस वन प्लस टू में और ग्रेजुएशन में ये सब जो पढ़ा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे सब्जेक्ट पढ़े हैं, ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, और या फिर आपने टेक्निकल सब्जेक्ट करे हैं, तो किनको ज्यादा फायदा होगा। ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट्स वालों को डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ जो है उन्होंने पहले पढ़ रखा होगा, और जो चीजें पहले पढ़ रखी है उन्हीं से प्रिपरेशन करनी है तो इजी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स वाले हैं, जो बीटेक वगैरह करते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में है, बैकग्राउंड से है, उनका नहीं होता। अगर आप देखोगे पुराना, आप लिस्ट उठा के देखोगे तो इंजीनियर्स है उनका ज्यादा क्वालिफाई वो करते हैं। सो आप जो है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर करता है, लेकिन उतना भी मैटर नहीं करता कि ये आपका पूरा डिसाइड करेगा सब कुछ। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो बीटेक वगैरह करते हैं, साथ ही साथ में वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं और वो क्वालिफाई भी कर लेते हैं, लिस्ट में नाम भी आता है। ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट्स वालों के लिए फायदा है, लेकिन ये होता है कई बार कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उतना सीरियसली नहीं पढ़ते हैं चीजों को, जैसे थोड़ा क्रैम कर लिया, रट्टा लगाया और पेपर दे दिया। लेकिन यहाँ पे पेपर में ऐसा नहीं चलता है, यहाँ पे आपको हर एक पर्सपेक्टिव से आंसर को, टॉपिक को देखना पड़ेगा, कि आपको हर एक टॉपिक को ऐसे देखना पड़ेगा कि इसका सोसाइटल पर्सपेक्टिव क्या है, इसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल जो है पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पेपर देने का तरीका है वो थोड़ा अलग हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ बेसिक्स जो आप कर सकते हो, आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप 10th में हो, प्लस वन प्लस टू, ग्रेजुएशन कहीं पे भी हो, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो करना है अपना आप सिलेबस उठाइए और उसे याद करिए। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलेबस उठाइए और उसे याद करिए।
प्रीलिम्स का कुछ खास सिलेबस नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन मेंस का जो सिलेबस है ना, अगर आप नेट से डाउनलोड करते हो उसको डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट आउट ले लो, चार पांच तीन चार पेज का आपका वो होगा, और उसके एक एक पॉइंट को देखो समझो और याद करो। अगर आपने सिलेबस को याद कर लिया ना तो आपका आधा काम हो जाएगा, क्योंकि आपने सिलेबस याद कर लिया, आपको पता है कि यहाँ पे ये टॉपिक है, फिर आप जब भी पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि हाँ सिलेबस में ये टॉपिक है तो मुझे ये टॉपिक पे फोकस करना है, अदरवाइज जो है आपका जो है कहीं पे खो जाओगे पढ़ते पढ़ते, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि आपने पढ़ना क्या क्या है। सो सबसे पहले जैसे कि कोई जंग लड़ने जाते हैं ना तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने वेपन्स को तैयार किया जाता है, तो यहाँ पे भी अगर आपने एग्जाम की जंग को लड़ना है तो आपको अपना सारी इक्विपमेंट सब कुछ पहले तैयार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप सीधा जंग में घुस जाओ फिर आपको पता ही ना चले कौन आपका दुश्मन है कौन दोस्त है और क्या आपको यहाँ पे करना है, क्या आपको स्ट्रेटेजीज लेनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नेट से आप डाउनलोड करिए मेंस का सिलेबस और उसे मेमोराइज करिए, उसके बाद अकॉर्डिंगली आपने अपनी प्रेपरेशन करनी है। नेक्स्ट जो है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपने एग्जाम दे रहे हो आपकी उस लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में देने लग गए लेकिन आपकी कमांड नहीं है, तो कमांड होनी जरूरी, चाहे हिंदी में दो इंग्लिश में दो डजंट मैटर एट ऑल, आपको बस यही है कि आपकी कमांड होनी चाहिए उस लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि जब आप मेंस का पेपर लिखोगे ना तो बहुत मैटर करता है कि आप मिस्टेक्स बिल्कुल ना करो, क्योंकि मिस्टेक्स जो होती है वो बहुत भारी पड़ जाती है। सो लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए, सारी वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, हैंडराइटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है शायद उनको ज्यादा नंबर मिलते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। नंबर का इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप एक बात सोचिए, आप अपने आप को एग्जामिनर समझिए, आपके सामने आपने दो पेपर चेक करने हैं, दो पेपर आपके सामने पड़े, एक की हैंडराइटिंग हद से ज्यादा अच्छी है, आपने जब पढ़ा आपको कोई दिक्कत ही नहीं हुई, आपने आसानी से उसको पढ़ लिया चेक कर लिया, और एक दूसरा पेपर ऐसा है जिसकी हैंडराइटिंग बड़ी खराब है, आपको पढ़ने के लिए उसको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, आपको नहीं पता उसने एम लिखा है डब्ल्यू लिखा है एन लिखा है कि ए लिखा है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप खुद सोचिए आप क्या करोगे। आप जो है उसको उसने अगर सभी को सही लिखा है लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि उसने क्या लिखा है, तो इस तरह से नंबर जो है वो ऐसे कम नहीं होते कि अच्छी हैंडराइटिंग वालों को नंबर ज्यादा मिलते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो आप एग्जामिनर का काम आसान करिए, कि एग्जामिनर जिसने दिन में इतने सारे पेपर चेक करने हैं, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो वो खुशी से आपका पेपर चेक करेगा, अदरवाइज फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, है ना। तो ह्यूमन मूड है, डिपेंड करता है, तो इसलिए हैंडराइटिंग जो है अगर आपकी अच्छी नहीं है तो उसको रोज थोड़ा थोड़ा लिख के देखें कुछ कुछ, और अपनी हैंडराइटिंग के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि पेपर में ऐसा होता है कि आपने 3 घंटे में इतना सारा लिखना होता है ना कि हाथ आपका इतना थक जाता है कि और दिन में 2 पेपर होते हैं, मतलब कहने का मतलब आप पहले 9 से 12 बजे तक 3 घंटे लिखोगे, फिर आप 2 से 5 बजे तक फिर 3 घंटे लिखोगे, और सोच के देखिए उन 3 घंटे में आपने एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना होता है, आपके हाथ की आम की ना एक आम की एक तरफ से बस हो जाती है कि बस एक दम के लिए ऐसा लगता है कि पेपर छोड़ के भाग जाओ, एक सेकंड का भी टाइम नहीं होता है। सो वहां पे अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आपको अच्छा सब कुछ होगा, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो वो जल्दी से लिखने से और भी खराब हो जाएगी। सो हैंडराइटिंग के ऊपर काफी ध्यान देना है आपने। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जब आप कुछ भी पढ़ने बैठते हो ना तो उसको ऐसे नहीं पढ़ना कि हाँ मैंने एक दिन में एक बुक खत्म कर दी तो मेरा काम हो गया, नहीं, आपने एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। मान लो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उसमें कुछ मॉनसून से रिलेटेड आपने पढ़ रहे हो, मॉनसून पैटर्न कैसे होता है, कैसे मॉनसून का सब कुछ होता है, इस तरह से विंड्स वगैरह साइक्लोन्स वगैरह आप ये पढ़ते हो, आपने क्या किया, एक बुक उठाई, सारा दिन में उसको पढ़ा, रख दिया, बोले कि मैंने बुक पढ़ ली, मेरा काम खत्म। और जब आपसे कोई पूछे कि साइक्लोन्स जो है उनकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे साइक्लोन्स आते हैं, कैसे मॉनसून आते हैं, तो आपको पता नहीं है, तो उसका क्या फायदा। तो आपने क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो उसको आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से कॉन्सेप्ट आपने पढ़ना है, फिर उसको आपने अपने दिमाग में रिवाइज करना है, सोचना है कि ये चीजें कैसे चल रही हैं। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, बुक पढ़ रहे हो कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको कोई ना कोई टॉपिक उस पर जरूर मिल जाएगा, तो वहां से, क्योंकि वो ज्यादा प्रैक्टिकल वे में समझा देते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा।
उसके बाद है रीड बुक्स विद फुल अंडरस्टैंडिंग। वही बात है कि जब पढ़ते हो तो अच्छे से पढ़ो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, आपको बुक को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, जो है जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर पूरा फोकस करना है। शुरू में आपने ये नहीं सोचना टाइम कितना लग रहा है कि मुझे तो टाइम बहुत लग रहा है, शुरू में बहुत टाइम लगेगा, इवन आपका दिमाग इतना ऑक्यूपाइड हो जाएगा आपको समझ नहीं आएगा कि क्या आपने पढ़ा, क्या छोड़ा, कितना पढ़ना है, क्या करना है। लेकिन आपको जो है अगर आप अपना काम थोड़ा आसान करना चाहते हैं तो आप जो पढ़ो उस वक्त उसी को पढ़ो और पूरा ध्यान उसी में लगाओ। एक वक्त में आप एक चीज पढ़ते हो करते हो, उसके बाद सब खत्म होने के बाद अब नेक्स्ट चीज जो है वो शुरू करो। सो जो भी पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग के बाद साथ पढ़ो, शुरू में डरने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। उसके बाद है हर रोज आपने एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है, और न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो ना तो उसमें एक एडिटोरियल सेक्शन होता है, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन, वहां पे जो जितने भी टॉपिक्स वगैरह चल रहे होते हैं न्यूज में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जो ऑथर्स होते हैं वो अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं, वो उसको एनालाइज करके पूरा बताते हैं। तो आपने उन एडिटोरियल सेक्शंस को पढ़ के समझना है कि ऑथर कहना क्या चाहता है। शुरू में नहीं समझ में आएगा, ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, नहीं समझ में आएगा कुछ भी, कुछ नहीं पता चलेगा पहली बार में आपको, अगर आपने पहले न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ा है नहीं पता चलेगा कुछ भी, लेकिन धीरे 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 आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी। सो उसके बाद इम्पॉर्टेंट है मेक रीडिंग अ हैबिट, रीडिंग को आपने एक हैबिट बनाना, ऐसे नहीं है कि आज पढ़ लिया 10 घंटे कल नहीं पढ़ा, रीडिंग को आप अपनी हैबिट बना लो कि वो अपनी आपकी लाइफ का पार्ट बन जाए। कि आप कहीं भी जा रहे हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, कहीं बाहर हो, आप जो है आपके पास आपका न्यूज़पेपर नहीं है लेकिन आप अपने फोन में खोलो उसको पढ़ो, तो इस तरह से रीडिंग को आपने एक हैबिट बना लेना है, इसको पार्ट ऑफ लाइफ बना लेना है। उसके बाद आता है कि आपका पास्ट ईयर पेपर्स, आप पास्ट ईयर पेपर्स जो यूपीएससी के पिछले 6-7 साल के क्वेश्चंस पेपर हैं उनको उठाइए, इंटरनेट से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, डाउनलोड करिए पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ यूपीएससी। तो वहां पे ये देखो कि ये आपने एकदम से शुरू में नहीं करना आपको, क्योंकि जब आप शुरू में करोगे तो आपको कुछ नहीं समझ आने वाला कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया। जब आप जो है एनसीईआरटीज वगैरह एनसीईआरटीज कंप्लीट कर लोगे ना, अगर आप रोज पढ़ रहे हो तो आपको 3 मंथ 3 मंथ्स लगेंगे आराम से, वो बाकी जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, लेकिन फिर भी आपको इतना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। तो इसको कंप्लीट करने के बाद साथ में अगर आप एक न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो उसके बाद आपने पास्ट ईयर पेपर्स को चेक करना है, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं। शुरू में ये सब नहीं देखना, नहीं समझ में आएगा, जब आप थोड़ा अपना सिलेबस कवर कर लो उसके बाद आपने पास्ट ईयर पेपर्स को देखना है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप फिर अपनी आगे प्रिपरेशन कर पाओ। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टे काम एंड डोंट जस्ट प्रेशराइज योरसेल्फ, बिल्कुल भी अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना, शुरू में नहीं समझ में आता है अपने दिमाग को खराब नहीं करना। अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो टाइम के साथ धीरे धीरे डेवलप होती है जितना आप पढ़ते जाते हो, ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने एक बार पढ़ा आपको कि अभी मुझे याद हो जाए, नहीं होता, किसी को भी नहीं होता याद, ये समझिए कि किसी को भी एक बार में याद नहीं होता, याद अगर हो भी गया तो थोड़े टाइम बाद भूल जाएंगे, ये तो एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि कोई भी इंसान एक बार में अगर 100 वर्ड पढ़ता है तो 100 वर्ड उसको याद नहीं रहते, कुछ कुछ याद रहता है, याद रखने के लिए हमें रिवाइज करना पड़ता है। सो एक बार में अपने आपको ये मत, इतना ज्यादा प्रेशराइज मत करिए कि 1-2-3 दिन में ही सब कुछ करना है, धीरे धीरे आप रीडिंग को अपनी पहले हैबिट बनाइए और धीरे धीरे सब कुछ करते जाइए। तो जी ये कुछ बेसिक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट की बारी, कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको किस तरह से चूज करना है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी पेपर्स तो आपने जो यूपीएससी डिसाइड करेगा वही देने हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका इंटरेस्ट। कई बार जैसे कि बीटेक के बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं, फिजिक्स वगैरह, जो भी उनका अगर बैकग्राउंड रहा है, लेकिन वो इस सब्जेक्ट को चूज नहीं करते हैं ऑप्शनल, वो कुछ जैसे ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पीएसआईआर हो गया आपका, सोशियोलॉजी हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, ऐसे सब्जेक्ट को चूज करते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट बना होता है, उधर इंटरेस्ट होता है कि हमें ये करना है। बाकी जो है बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी होते हैं जो अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, जैसे कि उन्होंने
जैसे टीना डाबी के बारे में आपने सुना होगा, उनको कौन नहीं जानता है। उनका जो है ग्रेजुएशन में उन्होंने PSIR पढ़ा, अपना पॉलिटिकल साइंस उनका था, तो वही उन्होंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज कर लिया, तो उनका आधा काम तो ऐसे ही आधा काम तो एक साल की मेहनत तो ऐसे ही बच गई। अदरवाइज ऑप्शनल सब्जेक्ट को अगर आप टाइम लगाते हो तो 7-8 महीने तो मान के चलिए लग जाते हैं, क्योंकि ऑप्शनल में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में टाइम लगता है, धीरे 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 करके ये होता है। लेकिन अगर आपने आपने 3 साल अपनी ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट को पढ़ा है तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है। सो बाकी जो है डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस पे है। और एक पॉइंट और भी है, वो है स्कोरिंग, के कौन सा ऑप्शनल स्कोरिंग ज्यादा है। जैसे कि हमारा PSIR है, इसको कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसमें जो आप पढ़ते हो ऑप्शनल में, वही आपका GS Paper 2 जो मेंस का है और पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, वही आप GS Papers के लिए भी पढ़ते हो, वही आप ऑप्शनल में भी पढ़ोगे, तो आपका आधा काम यहाँ पे हो जाता है और बाकी जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप कोई भी ऑप्शनल इन सारी बातों को ध्यान में रख के चूज कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और कौन सा ऑप्शनल ज्यादा स्कोरिंग है। अगर आप PSIR चूज करते हो ना, PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस PSIR ऑप्शनल आप चूज करते हो, करते हो अगर आपको करना है, आप पे डिपेंड करता है, तो मेरे लेक्चर्स हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक यूट्यूब चैनल है जहां पे लास्ट ईयर मैंने PSIR सब्जेक्ट पढ़ाया था, वहां पे मेरे अराउंड 160 लेक्चर्स हैं और पूरे लेक्चर्स वहां पे फ्री हैं। ऐसा आपको कोई फ्री नहीं देगा। अगर आप शुभ्रा मैम जो फेमस है पूरे इंडिया में, के 19 से ज्यादा PSIR सब पढ़ते हैं, उनको जो है लाखों लोग लाखों वेस्ट करके बच्चे वहां पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको PSIR के सारे लेक्चर्स फ्री मिल जाएंगे। 160 वीडियोज है आपके अराउंड और इन वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। अगर आप खोल के देखते हो कि आप यूट्यूब पे सर्च करते हो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज PSIR लेक्चर, तो आपको मिलेगा, कमेंट पढ़ना, वहां पे बहुत अच्छा रिस्पांस इन लेक्चर्स को मिला है और आपका जो है मनी भी बचेगी और आपका टाइम भी सेव होगा। अगर आपका इंटरेस्ट बनता है इस सब्जेक्ट में, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में बनता है तो आप इसको ऑप्शनल चूज कर सकते हो और मटेरियल अवेलेबिलिटी हो जाएगी, गाइडेंस भी मिल जाएगी, आपका आधा काम आसान हो जाएगा अगर आप करना चाहते हो। बाकी आपकी चॉइस है, आपका जो भी ऑप्शनल है आप कर सकते हो। तो ये सारा हो गया आपका पूरी गाइडेंस से रिलेटेड कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैंने बता दिया। अब इसमें क्या होगा कि एक वीडियो मैं और बनाऊंगी जिसमें बुक लिस्ट के ऊपर डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से बुक्स हैं जो आपने पढ़ने हैं, GS Paper 1, 2 जितने भी हैं, कौन कौन से बुक्स आपने पढ़ने हैं, उसके ऊपर आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। सो आप जो है अभी के लिए मेरे ख्याल से मैंने काफी सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है ना, बचे हैं, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूंगी। बाकी आपके बुक लिस्ट से रिलेटेड जो वीडियो है वो भी मैं शायद कल तक अपलोड कर दूं, तो आप वो भी देख लेना कि कौन कौन से बुक्स आपने पढ़ने हैं। सो पढ़ते रहिए, अच्छे से, बाय, टेक केयर।